हेलो। तो आज की एक्टिविटी जो है उसमें हम बनाएंगे बॉल मेरे। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, ये बॉल है और इसके ऊपर बॉल मिरर लगा दें। अब ये बॉल मिरर होता क्या है? ये बॉल मिरर यानी कि हमारा एक प्रकार का पिन होल प्रोजेक्शन या पिन होल कैमरा है। क्या होता है कि जैसे भी लाइट, आप कोई भी बॉक्स ले लो, उसको एक छोटा सा उसमें होल कर दो, तो उसमें से लाइट जो है बाहर वाली वो उस बॉक्स के होल से अंदर एंटर होगी और दूसरी तरफ जाएगी, तो वहाँ पे वो लेंस की तरह काम करती है, वहाँ पे वो इमेज बनाएगी। तो इमेज कैसे होगी? इन्वर्टेड होगी। तो वैसे ही ये हमारा पिन होल की जगह है, हम ये मिरर लगा के दूसरा पिन होल बना रहे हैं। तो इस पिन होल में क्या करना है कि हमने ये पिन होल बना दिया, तो क्या है, ये बॉल मिरर है। इसका बेसिकली फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि हम सन को खुली आंखों से देख सकते हैं। बहुत देर तक तो नहीं, आंखें खराब हो सकती है, तो हमें सन को ऑब्जर्व करना है। और आगे हमारा सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है नज़दीक, तो हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसको आप बना दीजिए। तो ये है बॉल मिरर। ये बॉल मिरर का इस्तेमाल करके हम अभी नज़दीक में आने वाला जो हमारा सोलर इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स जैसी गतिविधियों को हम इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से हम देख सकते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? तो बहुत ही सिंपल मटेरियल है। तो इसमें अभी क्या चाहिए हमें? हमें घर में पड़ा हुआ कोई भी शीशा चाहिए। तो शीशा क्या स्क्वायर चाहिए, राउंड चाहिए, कोई भी शेप चलेगा, जो भी शेप आपके पास अवेलेबल हो। अब ये तो हो गया है, ये तो मॉडल की तरह काम करेगा या छोटा सा है, इसको रखने के लिए आसानी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे थोड़ा सा बड़ा ये बॉल जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। इस बड़े से बॉल पे हमें क्या करना है? तो इस बड़े से बॉल पे यहाँ मेरे पास क्या है, तो एक छोटा ये क्या चाहिए, ये डबल साइडेड टेप है, ये दोनों तरफ से चिपकेगा। तो मैं इसका क्या करूँगा, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ। अब मैंने इसको काट दिया, ये जो टुकड़ा कटा है ये एक तरफ से मैंने बॉल पे चिपका दिया। अब बॉल को चिपका के इसके ऊपर मुझे ये मिरर चिपका देना है। बस मेरा बॉल मिरर तैयार है। लेकिन क्या होता है, ये बॉल मिरर जब मैं बनाऊंगा तब क्या होगा, तो बनाने के बाद ये हवा के साथ में वाइब्रेट होगा, तो वाइब्रेट होके वो फिर इमेज जो है वो ठीक से नज़र नहीं आएगी। तो ठीक से क्यों नज़र नहीं आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे एक वी कट लगा सकते हैं कटर से, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी सैंड हो या रेती हो, इसको अंदर हाफ बॉल तक फिलअप करना है। या फिर घर पे अभी हमारे पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं, तो घर की चीज़ क्या, छोटा सा कट लगा के इसके अंदर आप उसमें ये डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे हमारे पास गेहूं होता है, तो इनको फिलअप करके इसको हीवी बना दीजिए। तो हीवी बनाने के बाद इसको हमें स्टैंड पे रखना है। स्टैंड पे रखोगे और इसको क्या करना है, इस चीज़ से बॉल मिरर जब ये बन जाएगा, तो ये बॉल मिरर से क्या करना है, सन की रेज जो आएगी इस मिरर पे गिरेगी और इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद है ना, वो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बनेंगी वहाँ पे सन की इमेज बनाएंगे, और ये सन की इमेज जो है वो आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें सन को रिफ्लेक्ट करके विदाउट एनी प्रिकॉशन हम सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्या है, ये मैंने तो चिपका दिया है, लेकिन ये डबल साइडेड टेप अगर मेरे पास घर पे नहीं है तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकता हूँ या कोई भी दूसरा ग्लू लगा के, लेकिन ग्लू लगा के उसको पूरी तरह
सूखने दीजिए, और हमेशा लगाते वक्त ये बॉल का जो साइज है उससे थोड़ा सा छोटा कोई भी, ये देखे मैंने एक टेप का रिंग ले लिया है, इसका भी रिंग चल जाएगा, या कोई भी अपना ग्लास है जिसके ऊपर आप इस बॉल को पूरी तरह ठीक से रख सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा वाला कोई भी स्टैंड काम करेगा। और ये काम करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन देख के हम सन की इमेज ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जितना हमारा ये डिस्टेंस है तो उसके हिसाब से हमें सन की इमेज छोटी या बड़ी मिलेगी। तो बेसिकली क्या है कि हमने जो ये मिरर लगाया है, ये इसका मिरर का हम साइज अगर देखेंगे तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का है। तो ये जब बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, इसका साइज जो है तो ये पिन होल की तरह काम करेगा, तो इसके साइज से 110 गुना दूरी पे अगर हम इस रिफ्लेक्टेड सन को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें बड़ी सी और वे एकदम शार्प इमेज मिलेगी। अगर हमारी दूरी कंपैरेटिवली कम है तो ये इमेज कहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करके लेनी है, तो इसकी इमेज कहीं पे भी छत पे ले लीजिए या घर के अंदर। तो उसमें क्या होगा, घर के अंदर या छत पे आप ले लेंगे तो आपको बड़ा सा सन की इमेज नज़र आएगी। तो ये बड़ी सी सन की इमेज जब देख रहे हैं तो उसमें आप काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर दूरी आपकी कंपैरेटिवली जो है वो कम है तो क्या करेंगे, इतना बड़ा हमें मिरर की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कवर भी कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों से अभी कैसे देखना है और कैसे रिफ्लेक्ट करके हम सन की इमेज देखनी है वो अभी चलिए बाहर जाके हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। हेलो, तो ये अभी हमारा बॉल मिरर प्रोजेक्शन है जिसको हमने तैयार किया था। तो इसको तैयार करते वक्त हमने क्या किया है कि बॉल के ऊपर हमने मिरर को फिट कर दिया है, तो ये मिरर सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको सेट कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने ये टेप का रोल ले लिया है। अब यह टेप का रोल मैं क्या करूँगा, इसको मैंने ज़मीन पर रख दिया और इसके ऊपर ये बॉल मिरर रख दिया। ये बॉल मिरर की इमेज जो है, ये देखिए, ये सामने इमेज दिख रही है हाथों पे, इसको इस इमेज को मैं धीरे धीरे वॉल पे डाल रहा हूँ। ये देखिए मेरे सामने वाले बिल्डिंग की वॉल पे ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये सन की इमेज तो मुझे काफ़ी दूरी पे मिल गई है, बड़ा सा सन की इमेज दिख रही है, तो आई कैन ईजीली ऑब्जर्व। जैसे ये मिरर से हम जब सन की इमेज बना रहे हैं, सूर्य की इमेज बना रहे हैं, तो सूर्य की इमेज देखते वक्त हमेशा जैसे जैसे मिरर से हम उसकी इमेज की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे सन की इमेज जो है वो बड़ी बड़ी होती जाएगी, और ऐसी बड़ी बड़ी, लेकिन साथ में ये सन की इमेज जैसे बढ़ रही है वैसे वो धुंधली भी होती जाएगी, क्योंकि लाइट जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड आउट हो रहा है, फैल रहा है, तो वो थोड़ी सी धुंधली होती जाएंगी। लेकिन हमें डिस्टेंस अगर हमारे पास कम है तो कम डिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, कम डिस्टेंस में हम इतने बड़े मिरर की जगह है छोटा सा मिरर रहेगा आपके पास, तो ये छोटा वाला मिरर भी काम करेगा, इससे भी बहुत बढ़िया खूबसूरत इमेज आएगी सन की। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ट्राई कीजिए और सन को ऑब्जर्व कीजिए, और सन ऑब्जर्व करते वक्त उसमें और भी एक चीज़ नज़र आएंगी कि सन जहाँ पे हमने फोकस किया है वहीं पे कंटिन्यूसली सन नहीं रहेगा, वो हमेशा हमें मूव करता नज़र आएगा या आगे चलते हुए नज़र आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अर्थ से सन की इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमेशा पता है कि हर बार हम कहते हैं कि अर्थ घूम रही है, लेकिन हमें नज़र आती है क्या गोल घूमते हुए, नहीं। बट हम सन की जब इमेज ले रहे हैं उसकी, तब हमें वो सन की इमेज कंटिन्यूसली इमेज ड्रिफ्ट होते नज़र आती है या आगे आगे चलते हुए नज़र आती है। तो आगे आगे चलते हुए जब नज़र आती है तब हमें पता चलता है कि हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, गोल घूम रहे हैं। तो ये देखना भी एक बढ़िया नज़रिया है, तो करके देखिए।